नमस्कार कौशिकी दिवस की आप सबको को शुभकामनाएं टुडे आई विल लाइक टू शेयर सर्टेन पॉइंट्स अबाउट कौशिकी विच वाज रिसर्च बाय डॉक्टर नीतू इन डिटेल एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर दोज पॉइंट्स टुडे कौशिकी के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं यूट्यूब में और ये सारे जो वीडियोस हैं ये आपको बेसिकली बताते हैं कि कौशिकी क्या है कौशिकी का नाम कैसे पड़ा उसका क्या क्या बेनिफिट्स है उसमें कौन कौन सी मुद्राएं इन्वॉल्व है सो देर इज़ लाइक द एलेबोरेटिव यू नो इन्फॉर्मेशन देयर इन दी नेट इट तो आज मैं बेसिकली दो टॉपिक कवर करूँगी पहला कि वाई शुड वी चूज कौशकी ओवर अदर डांस और एक्सरसाइजिस और सेकेंडली कि कौशकी परम्पिता आई मीन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ट्वेंटी टू डिजीजेस को बोला कि कौशकी के में केपेबिलिटी है कैन इट कैन एड्रेस ट्वेंटी टू डिजीजेस तो ये डिजीजेस को कैसे क्योर करता है ये दी फिजलॉजी बिहाइंड इट ये आज मैं कवर करूँगी तो सबसे पहले आते हैं कि हाउ इज़ कौशकी मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेस तो आजकल का जैसा एरा है इसमें मनुष्य जो हैं वो मनुष्य हमेशा से मन प्रधान रहे लेकिन अभी वी यूज़ आर ब्रेंस मोर देन वी यूज़ आर बॉडी पहले के ज़माने में क्या होता था कि इंसान को शारीरिक शक्ति की भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि उनको बहुत सारे काम जो है वो शारीरिक

फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल जो बीइंग होता है उसमें सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मेंटल एंड स्पिरिचुअल है और फिजिकल हैज हैजन अ बैक साइड तो कोई भी ऐसा एक्सरसाइज जो कि आपके माइंड को रोबस्ट नहीं बनाता है वो एक्सरसाइज नहीं कहलाएगा आजकल के जमाने में सो कॉशकिंग इज एन एक्सरसाइज विच इज एंड इट इज एन एक्सरसाइज विच टेक्स केयर ऑफ योर बींग दैन योर बॉडी अब हम बोलेंगे कि बींग तो बींग का मतलब क्या हुआ बींग का मतलब हुआ कि इट टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ सो वी शुड चूज कौशकी ओवर अदर एक्सरसाइजेस तो uh, कौशिकी क्या करता है ना बेसिकली कि वेन वी डू कौशकी नो वी स्टार्ट लाइक दिस दिस इज द मुद्रा ऑफ कौशिकी द फर्स्ट मुद्रा ऑफ कौशिकी

कभी कभी माइंड बहुत पावरफुल होता है लेकिन बॉडी उसका साथ नहीं देता एग्जीक्यूट करने में और कभी कभी ऐसा होता है कि um, हमारा जो बॉडी है यू नो लाइक बॉडी इज़ वेरी पावरफुल इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ एनर्जी बट माइंड डजेंट अ डायरेक्शन माइंड उतना ताकतवर नहीं होता है सो कौशकी डज वॉट इज दैट इट विल यू नो मेक योर बॉडी कनेक्ट टू द माइंड सो दैट वे वर्क एज अ टीम और उसके बाद सेकेंड चैलेंज आजकल के ज़माने में है आउटर वर्ल्ड में देर इज लॉट ऑफ इम्बैलेंस लाइक यू टॉक अबाउट वर्क लाइक लाइफ इंबैलेंस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस तो बहुत सारी इम्बैलेंसेज आती है तो कौशी क्या करता है ना कि बिकॉज इट इज कनेक्टिंग योर बींग टू दी सोल तो आपका क्या है ना नज़रिया और दायरा बड़ा होता है तो आप क्या करते हैं कि तो क्या होता है कि आपका दायरा बड़ा होता है आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होता है मन वृहत होता है एक्सपैंडेड होता है देन यू कैन एकोमोडेट दर वर्ल्ड इन योर माइंड और जब आप कोई चीज को अपनाते हैं ना तो आप उसको बिगाड़ना नहीं चाहेंगे सो यू विल नॉट बी सेल्फिश एंड ऑफ यू वी वेरी कंसनड्रेट तो अगर हर कोई वैसे कंसड्रेट होगा तो इम बलेंस विल गेट एड्रेस्ट सो दिस इज द रीजन यू नो वाई यू शुड चूज कॉश्की ओवर अदर एक्सरसाइज बिकॉज इट इज एज आई सेट अर्यो इट्स अ बीइंग एक्सरसाइज एंड इट्स द मोस्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो कि फिजिकल को मेंटल और मेंटल से स्पिरिचुअल को जोड़ता है नाउ द सेकेंड पॉइंट Is why we should take, uh, uh, why should we choose uh, Koshki over other um, exercises? The reason, second reason is that it is the most compact form of exercise. So it will do what is like, um, uh, who aapki head to toe ke har joints ko, almost vital uh, sare muscles ko, aur glands ko kya na? It will strengthen it when you are doing ex, uh, Koshki dance. बिकॉज इट हैज गॉट बाइलेटरल बेंडिंग बेंडिंग साइड में हम बेंड करते हैं दोनों साइड सामने बेंड करते हैं और पीछे बेंड करते हैं तो सारे वाइटल ऑर्गन्स ग्लैंड सबको यू नो इट टेक्स केयर ऑफ ऑल वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ग्लैंड एंड नर्व्स और आज कल के जमाने में इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ तो पीपल का जनरली क्या होता है ना कि उनके पास उतना टाइम नहीं होता टू डू डिफरेंट सेक्सरसाइजेज नीदर दे हैव दर्जी तो दे विल बी एबल टू यू नो डू दिस वन एक्सरसाइज विच विल टेक केयर ऑफ एवरी थिंग ना थर्ड जो है विच इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ कौशिकी इज दैट इट फॉलोज द नेचुरल पैटर्न अगर आप बाकी एक्सरसाइज देखेंगे तो वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देती वोट यू मीन बाई पैटर्न वेन वी से पैटर्न मीन्स की बॉडी जो है वो बेसिकली जब काम करता है तो जैसे मसल्स इंटेस्टाइन हार्ट और लंग्स ये क्या करते हैं ना एक बार एक्सपैंड करते हैं एक बार कंट्रैक्ट करते हैं मसल्स uh, के केस में दे कंट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स यू नो तो वैसे करके बॉडी काम करता है वो उसका पैटर्न है और सेकेंडली uh, है कि वो रिद्मिक है रिद्मिक है मतलब वो पैटर्न फॉलो करता है और वो रिपीटेटिव है नेचर में जैसे कि हार्ट है वो लपडब लपडब करता है लंग्स लंग्स भी एक्सपैंड करता है और कंट्रैक्ट करता है सो इट इट कीप्स ऑन दैट तो क्वाशकी जब आप कर रहे हैं तो वो आपका जो पैटर्न है बॉडीली पैटर्न है इसको फॉलो कर रहा है यानी कि वेन यू आर बेंडिंग सटल मूवमेंट्स आप करते हैं बहुत एक्जर्ट नहीं करते प्रेशर में प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते हैं तो आपका जो इस साइड का ऑर्गन है वो दबता है और यहाँ का जो है वो एक्सपैंड होता है सामने फॉरवर्ड बेंड करते पीछे स्ट्रेच होता है सामने इट कंट्रैक्ट्स और पार पैर का भी वैसा ही मूवमेंट होता है इसमें सम सर्टेन मसल्स इट विल यू नो एक्सपैंड में भी यू कैन से वट एवर स्ट्रेच एंड मसल्स विल रिलैक्स और सेकेंडली रिदमिक है रिदमिक है मतलब कि ये कंटिन्यूस है एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग आइडिएशन एट द सेम टाइम तो इसके यू नो इट्स द मोस्ट नैचुरल थिंग जो हमारी रचना है हमारे शरीर की और बाहर की रचना बाहर भी एवरी थिंग इज रिदमिक ओनली लाइक दिन के बाद यू नो नाइट आता है सीजन का साइकिल हर चीज़ का साइकिल है और ये रिदम इन फैक्ट जब चेंज होता है तो ही विकृति आती है इफ़ देर इज अ चेंज इन द रिदम लाइक आपका मेंटल uh, के साथ फिजिकल का अगर रिदम चेंज uh, होता है तो क्या होता है कि uh, या फिर अगर आपका हार्ट या कोई और ऑर्गन वाइटल ऑर्गन का रिदम चेंज हो रहा है तो क्या होगा कि उसमें uh, वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है तो उसमें एलमेंट्स डिजीज आने लगेगी और फिर अगर बॉडी का माइंड से रिदम चेंज होगा तो दे बी मेंटल और फिजिकल डिजीज और बोथ और धीरे धीरे जब रिदम बहुत ही बिगड़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा रिदम टूट जाएगा और जब रिदम टूटेगा तो जो सांस की डोर है वो भी छूट जाएगी लाइफ इज ऑल्सो रिदम तो ये रिदम छूटने से लाइफ कम्स टू एन एंड सो कौशकी यू कैन चूज बिकॉज इट फॉलोज द इनेट थिंग यू नो जो बॉडी का पैटर्न है वो फॉलो करता है और रिदम फॉलो करता है और इसमें कोई ओवर एग्जर्शन है लाइक बहुत सारी एक्सरसाइजेस आप करें जो बहुत फ्रिग्रेस है तो हो सकता है कि आपके बॉडी में कुछ विकृति आए या कुछ यू नो वियर एंड थीअर हो नाउ कमिंग टू दी बेनिफिट्स ऑफ कॉश की जो कि सुश्री आनंद मूर्ति जी ने ट्वेंटी टू बेनिफिट्स बताएं क्वेश्की के जो कि वुमेन के लिए यू नो ट्वेंटी टू बेनिफिट्स है और मैन के लिए 19 बेनिफिट्स है एंड आई ट्राई टू कवर इट वन बाय वन तो सबसे पहले जो बेनिफिट uh, है कि ये क्या करता है ना इट एक्सरसाइज ऑल दी गल्स फ्रॉम हेड टू फुट तो सर से पैर के सारे पहले ही बता चुकी हूँ कि वो इट विल एक्सरसाइज ऑल द जॉइंट्स बिकॉज ऑल दी जॉइंट्स एंड दी ग्लैंड्स तो uh, होता क्या है इसका मूवमेंट ही ऐसा है यू कैन सी द मूवमेंट इन केस एनी वन ऑफ यू डोंट नो इट तो uh, जब हम ये करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि uh, हम वृहद भावना लेते हैं तो जब हम वृहद का भावना लेते हैं लाइक यू नो व्हेन वी आर डूइंग कौशिकी देन वी आर थिंकिंग कि आई नो हाउ टू कनेक्ट विथ यू आई नो हाउ टू रिक्वेस्ट यू और आई नो हाउ टू एक्चुएट वॉट You desire, I surrender before you, and I can keep on struggling. You know, so there are six kind of uh, bhav you take, and you also take the mantra throughout. You know, which comes as a tal Baba naam Baba kevalam. So when you are doing that and you are taking a positive emotion, uh, infusing your brain with positive emotion, so your hypothalamus, you know, there is a part behind this, you know, forehead which is called. यू नो इनसाइड विच इज कॉल्ड हाइपोथलमस और ये सीट ऑफ इमोशंस और बिहेवियर uh, का है तो ये क्या करता है ना कि ये आपके मास्टर पिथ्यूटरी ग्लैंड जो ऊपर है उसको क्या करेगा अगर उसको जब भी पॉजिटिविटी मिलती है तो इट गेट्स सिप स्टिमुलेटेड और यही जो हाइपोथलमस है ये आपके पिथ्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है सो इट विल एक्टिवेट दिथ्यूटरी लैंड नाउ गेटिंग द पॉजिटिविटी द पिथ्यूटरी ग्लैंड वेन गेट्स एक्टिव इट इज द मास्टर ग्लैंड तो वो क्या करेगा ना बाकी सारी ग्लैंड्स जो हैं उसको इट विल कमांड और पास ऑन द मैसेज दैट यू हैव टू फंक्शन इन मोस्ट ऑप्टिमल वे तो ऑप्टिमम हार्मोन सेक्रेट होगा एंड हेंस यू नो ऑल दी ग्लैंड्स इट विल यू नो फंक्शन प्रॉपरली ओके एंड इट इंक्रीजेस लॉन्गिविटी नो ट बी एक्सप्लेन मच क्योंकि आपका जब मन और शरीर दोनों ठीक से काम कर रहा है तो यू नो लाइफ इज अ रिदम सो इट विल गो ऑन अच्छा थर्ड पॉइंट इज इट मेक्स ईजी डिलीवरी तो डिलीवरी uh, जब होता तो बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स होते हैं जिनका मेजर रोल होता है एक होता है ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सी uh, टोसिन तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा ना बेसिकली प्रेग्नेंसी जब डिलीवर चाइल्ड डिलीवरी हो रहा है तो ईस्ट्रोजन की uh, जो सिक्रियशन होती है इट्स इन अ गुड एडिक्वेट अमाउंट सो इट विल डू व्हाट इट विल इनलार्ज द दूटरस एंड रिलैक्स पेल्विक लिगमेंट और सिमिलरली uh, जो प्यूबिक रीजन है वो उसको इलास्टिक बना देगा सो दैट इट कैन यू नो एक्सपैंड एंड ऑक्सीटोसिन क्या करेगा आपके मसल्स को रिलैक्स कर जाएगा ताकि जो बर्थ कैनाल है उससे जो बेबी uh, है वो आसानी uh, से निकल जाए तो uh, अगर कोई एनी यू नो गर्ल और और फीमेल डस दी एक्सरसाइज फ्रॉम अर्ली यूथ एक्सक्यूज मी देन दे बी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन यू नो सिक्रेटेड दी ऑप्टीमल जितना डिज़ायर्ड है और उससे बहुत सारे मैंस्ट्रल प्रॉब्लम्स भी आजकल के लाइफ के कारण होते हैं तो वो सब भी यू नो इट इट कैन बी एवॉइडेड थर्ड है कि इट मेक्स दी स्पाइन फ्लेक्सिबल तो थैंक <coughs> यू <coughs> तो Spine का क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स यू आर डूइंग सो मैनी टाइम्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ही और ए, एक और पॉइंट है इट्स नॉट लाइक वेरी ऑन दी ट्रैक लेकिन मैं बताना चाहूँगी बहुत सारे लोग हैं ना वो बोलते कि नहीं मेरे को बैक का पेन है इसलिए मैं कॉश की नहीं कर सकती हूँ बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वैलिड रीजन बिकॉज जब आप कॉशकी कर रहे हैं ना तो आपका सपोज लेग आप जैसे नॉर्मल स्टैंड करते दिस इज हाउ द लेग्स आर से दिस इज द टू लेग्स यू नो सो वेन यू आर डूइंग कौशकी तो आप जब फॉरवर्ड बैंड करें एक तो है कि इसका ऐसा स्टेपिंग नहीं कि आप ऊपर से धड़ाम से नीचे आपको टो टच करना है ओके एंड यू कैन डू इट ग्रेजुअली इसमें क्या होता है आप सबसे पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं और फिर आप नीचे टो टच करते हैं और आपका जो लेग है ना वो ऐसे रहता है एक आगे और पीछे तो आप सब तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे तो ये जो आपका सी जी है ना लाइन ऑफ ग्रेविटी है इट डजेंट यू नो गेट चेंज ये आपके स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं वो इट इज़ कमिंग थ्रू दिस लाइन ओनली सो सेंटर ऑफ लाइन ऑफ सी जी डजेंट चेंज सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपके स्पाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और दूसरी बात ये है कि आप जब ऐसे से ऐसे कर रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि आप थ्रो आउट की जब करेंगे तो आपको कान से सटा के ही रखना है ऐसे हैंड mm -hmm. लेकिन जब आप सामने बेंड होंगे ना तो आपको ऐसे नहीं करना दी पोस्टर करेक्ट पोस्टर इज ऐसे से ऐसे करना होता है तो आपका स्पाइन तब तक तो स्ट्रेट ही है उसके फिर आप सामने पैर करते हैं आपका सामने पैर भी सपोर्ट करता है सी जी भी यू नो सेम है तो आपके बैक पे प्रेशर कहाँ से पड़ रही है कि यू नो यू विल अ बैक प्रेशर इफ यू डू इट रॉन्गली येस दैन इट माइट हार्ब यू येस लेकिन कुछ पीपल जो होते हैं उनको बहुत सीवियर बैक का प्रॉब्लम है स्लिपटिस्क है ऐसा कुछ है तो यू शुड गिव योर बॉडी टाइम टू हील कंप्लीटली एंड देन इफ यू फील कम्फर्टेबल ग्रेजुअली यू नो आस्किंग दे डॉक्टर मे बी यू नो एनालाइजिंग सेल्फ एनालिसिस थ्रू दैट यू कैन स्टार्ट अ डूइंग कौशिक ओके सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट दैट इट मेक्स स्पाइन फ्लेक्सीबल नाउ कमिंग टू आर्थराइटिस एंड गाउट तो ये इसका भी इसको भी क्योर करने में बहुत हेल्प करता है तो आर्थराइटिस uh, पहले विल जस्ट टच अपॉन दैट तो आर्थराइटिस क्या होता है ना कि uh, आपका जो जॉइंट्स है उसके ऊपर uh, एक परद होता है ओके या मे बी यू कैन से इट परद ओनली सो so, वो काटिलज उसको कहते हैं और uh, उस, उसके अराउंड में साइनोवियल फ्लूड एक फ्लूड होता है वो उसको लुब्रिकेट करता रहता है तो क्या होता है कि ये दोनों जो हड्डियाँ जॉइंट्स होंगी जॉइंट्स आर ऑफ़ कोर्स यू नो लाइक टू बोन्स टुगेदर सो इट विल नॉट लेट इट टच अपन तो अ, जब एज एजिंग स्टार्ट्स या ओबेसिटी होती है या कोई एक्सीडेंट हो गया ट्रामा हो गया तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो कार्टिलेज वियर एंड टियर होता रहता है वो उसमें कुछ विकार आते हैं और उसके बाद वो रीजनरेट होता रहता है और ये जी रीजनरेशन का काम बेसिकली कॉन्ड्रोसाइट्स का होता है कॉन्ड्रोसाइट्स ऐसे बेसिकली सेली है जो कि काटलेज बनाता है तो अर्थराइटिस में क्या होता है ना कि डीजेनरेशन जो काटलेज की वो ज्यादा है और रीजनरेशन कम है तो फिर क्या होता है ना कि दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हो और फ्रिक्शन पैदा होता है जिसके कारण पेन होता है आर्थराइटिस में बेसिकली सो so, uh, if a person does कौशकी regularly then they can तो क्या होगा ना कि इसमें सेटल प्रेशर पैर पर पड़ता रहता है आप कौशकी करें तो थ्रू आउट कौशकी आप पैर पीछे क्रिस क्रॉस ही कर रहे हैं सो so, uh, uh, जो होता है उसको uh, उस पर सेटल प्रेशर पड़ता है और जो कॉन्ड्रोसाइड्स है ना वो स्टिम्युलेटेड होते रहते हैं तो वो स्टिम्युलेट होंगे तो क्या होगा ना कि uh, वो <coughs> uh, रीजनरेशन मतलब मल्टीप्लाई करके रीजनरेशन का काम करते रहेंगे तो यू कैन प्रिवेंट हैविंग आर्थराइटिस और जिसको अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है वो भी अगर ये करेगा तो इट माइट गेट क्योर्ड यू नो हाँ अब, अब बहुत एक्यूट स्टेज है आपका आर्थराइटिस का बहुत फाइनल स्टेज है तो आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा प्लस यू नो ये कौश की करना पड़ेगा नाउ कमिंग टू गाउट अगर हम बोले तो गाउट में क्या होता है कि गाउट बेसिकली यूरिक एसिड जो है हमारा वो क्या करता है ना कि जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है यूरिक एसिड तो गाउट बेसिकली इसलिए होता है तो जैसे एंकल हील्स नीज फिंगर्स एल्बोज में ये डिपॉजिट हो जाता है एंड देन यू नो इट कॉजेज पेन तो बेसिकली यूरेट सॉल्ट जो होता है यूरिन में जो यूरेट सॉल्ट होता है अगर आपका बॉडी अल्कलाइन है और यूरिन भी बहुत एसिडिक नहीं है अल्कलाइन है तो ये यूरेट सॉल्ट जो है वो आपके यूरिन में मिक्स होकर के बॉडी से बाहर निकल जाएगा बट इफ़ योर यूरिन एसिडिक और यूर आपका you know, तो होगा और ये क्या करेगा ना ज्वाइंट में जाकर के डिपोजिट हो जाएगा एंड यू विल हैव गो वेन यू आर डूइंग क्वेश तो uh, एक तो आप पॉजिटिव थाट ले रहे हैं कशकी में थ्रू आउट यू नो यू आर डूइंग सम एटीन स्टेप्स इन कौशिकी और अगर आप एटीन सेकेंड्स भी लगाते एटीन स्टेप्स करने में और उसमें आप सिक्स पॉजिटिव थाट ले रहे हैं और हर स्टेप में बाबा नाम केवलम का यू नो यू आर डूइंग दी मंथ रिच आप ऑल्सो सो इन फ्यूजिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी सो यू कैन इमेजिन इफ़ यू आर डूइंग फॉर ट्वेंटी वन मिनट्स इन टू आप कितने बार यू नो पॉजिटिव थाट माइंड में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा ना कि बॉडी वैन देयर आर प्रॉपर हॉर्मोन सिक्रेशन तो बॉडी एल्कलाइन रहता है डिस्ट्रेस्ड और एल्कलाइन सिक्रेशन हो और प्रॉपर सिक्रेशन होगा हॉर्मोन का और उससे क्या होगा ना कि यूरिक एसिड जो होता है यूरिन होगा वो इट विल टर्न मोर एल्कलाइन एंड सेकेंडली वेन यू आर बेंडिंग फॉरवर्ड राइट डॉबनल प्रेस कर रहे हैं तो भी आपका किडनी में जो यूरिक एसिड डिपॉजिटेड है वो क्या करेगा ना इट विल हेल्प बिकॉज इट्स सटली मसाजिंग दी ऑर्गन तो वो उसको फ्लैश आउट कर देगा सो इट विल हेल्प इन और इससे आपको किडनी में जो स्टोन stone स्टोन्स भी होते हैं वो सभी यू नो यू कैन अवॉइड सो इट प्रिवेंट्स आर्थराइटिस एंड गाउट ओके अच्छा इसमें भी एक चीज बोलना चाहूँगी कि दे आर पीपल दैट यू नो आई हैव गॉट जॉइंट पेन नी पेन स्पेशली यू नो सो आई कै नॉट डू कॉशिक नाउ इवन आई हैड अंडर गॉन अ सर्जरी बिकॉज आई मेट विथ एन एक्सीडेंट सो आई हैड अंडर गॉन अ नी सर्जरी सो डॉक्टर्स मोस्टली जो होते हैं वो क्या बोलेंगे ना कि आप नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा अपना नी बेंड नहीं कर सकते इसलिए इवन स्टेप क्लाइंबिंग यू नो स्टेयर क्लाइंबिंग इज नॉट अलाउड लेकिन जब आप कौशिक करते हैं तो आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं एंड इट हार्डली यू नो मूस ऑफ टू मे बी थर्टी डिग्री से ज़्यादा आप नहीं मूव करते हैं राइट सो एंड प्लस यू आर नॉट स्क्वाटिंग और यू यू आर बेंडिंग योर नीज इन कौशिक आप पूरा बॉडी की एक्सरसाइज करें बट हाउ ब्यूटिफुल इट इज दैट यू आर नॉट इवन बेंडिंग योर नीज सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट अगेन यू नो इफ यू हैव सीवियर कॉम्प्लीकेशन प्लीज अवॉइड इट लिसन टू योर बॉडी देन ओके so the next thing is the mind becomes strong sharp and focused so <coughs> generally kathana when joint ka movement kothana so um, see every action we do or, or the action rather than the function which we perform it has a mapping in the brain brain jo parts means certain parts are allocated for a defined function

I said it works in integration and you have a vritth thought with every step expansive thought. So what will happen? Your prefrontal cortex, you know, which is basically into analyzing things and expressing things, तो वो भी आपका activate हो रहा है और आप बोल रहे बाबा नाम बाबा केवल है मतलब ये taking the भाव हुए. So any word which goes to the brain, it will try to decode or decipher the meaning, उसका meaning निकालने का कोशिश करेगा. तो Wernicke's area बहुत large area है.

मुद्राज विच आर सो यू नो रेयर वी डोंट डू इट आप कितने बार हाथ ऊपर करके ऐसे किसी को देखते हैं खड़े हुए या आप भी खड़े होते नहीं दिस इज लाइक यू नो वेन यू आर वेरी हैप्पी एग्जिलिय टाइप ऑफ थिंग यू नो सो यू डू इट वेरी रेयरली तो आप जितनी देर कौशकी करते हैं हाथ ऊपर करके करते हैं आप बैक स्टेपिंग कितना देर करते हैं या उल्टा चलते हुए तो हार्डली पीपल जाते हैं लेकिन यू डू बैक स्टेपिंग एंड कौशकी सो दे आर कंप्लेक्स मूवमेंट एंड माइंड इज कंप्लीटली फोकस्ड द डिफरेंट पाइंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच इज वेरी एक्टिव एंड इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग सो द योर माइंड बिकम्स वेरी फोकस्ड ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज irregularities in menstruation will be cured we have discussed that earlier because of estrogen secretion okay glandular secretion will become regulated that also we have covered earlier or trouble in bladder and <coughs> urethra acha ये क्या होता है ना कि इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूँ और ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनोमिक सॉरी नर्वस सिस्टम है जो इट इज़ बेसिकली एन ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम मीन्स कि ऐसा एक्शंस जो ऑटोमेटिकली बॉडी में होता है वो इसके अंदर आता है जैसे कि हार्ट बीट हुआ ब्लड प्रेशर रेस्पिरेशन डाइजेशन ये सब ऑटोमेटिक होता है ओके okay? सो so, इसको कहते हैं ऑटोमेट ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिटिक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली फाइट और फ्लाइट का है मतलब आप जब बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं या आप कुछ चैलेंज फेस करें लाइफ एंड डेथ का सवाल है कोई शेयर आपका पीछा कर रहे जो भी कर रहा होगा तो आप क्या करते हैं ना यू हैव टू सेव योरसेल्फ तो इस समय क्या होगा ना कि आपका आर्टीरियल प्रेशर हाई हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन बिकॉज यू विल नॉट फील लाइक यू नो वैन यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट देन यू डोंट फील लाइक यू नो डिफिकेशन और यूरिनेशन का अर्जी नहीं होता है ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा टॉक्सिन जो है किडनी में, में होगा और बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए राइट बिकॉज यू 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 आर रनिंग एंड ऑल नो वांट टू सेव तो आपका ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन uh, हाई हो जाएगा क्योंकि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होना बॉडी को ऐसा ही सिग्नल मिला है एंड आपका सांस जो है ना <coughs> वो बहुत तेज हो जाएगा सो दिस इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक में जिस ट उल्टा होता है कि आपका आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाएगा आपकी बावल और यूरिनेशन क्लियर होगी नॉर्मल फंक्शन बॉडी से बहुत रिलैक्स्ड है डीप यू नो लाइक आप मेडिटेशन करें तो बॉडी उस पैरासिम्थैथिटिक uh, uh, मोड में है और आपका नॉर्मल ब्लड कंसनट्रेशन होगा डीप ब्रीदिंग होगा तो क्या होता है कि जब आप कौशिकी कर रहे हैं, होते हैं तो आपका पैरासिम्थैथिटिक जो है बिकॉज यू आर टेकिंग वृहद भाव ये ये हो जाता है यू नो यू गेट इन टू दैट मोड तो यू नो योर बावल एंड दिस गेट्स यूरिनेशन गेट्स क्लियर तो आपको यूरिनरी और प्लस आप जो सामने बेंड होकर के यूरिनरी वॉल में आप जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं इससे भी आपका जो भी स्टैगनेटेड यूरिन है वो भी बाहर निकल जाता है और यूरिन स्टोन्स नहीं होते या गोल ब्लैड स्टोन्स नहीं होते हैं अच्छा इस पे एक और बात बताना चाहूँगी अगेन और डायरेक्ट रिलेटेड लेकिन बहुत पीपल क्या करते हैं ना कि वो फोस्ट uh, ब्रीदिंग करते हैं बहुत सारा ऐसा टेक्निक है लाइक यू नो दे डू टाइप से करते हैं सो so, इसमें क्या होता है ना कि आपका जो सांस है जब वेन इट इज यू नो योर पेंटिंग फॉर ब्रेथ ऑफ स्पीड सांस ले रहे हैं तो इट गेट्स द माइंड रीच इट दैट देर इज सम डायर सिचुएशन और सिम्फैथिटिक में चला जाएगा उस मोड पे आपका क्या होगा ना आप बैठे हुए वो कर रहे हैं लेकिन आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो गया ब्लड प्रेशर हाई हो गया अब आपका ग्लूकोज हाई हो जाएगा तो होगा क्या कि आप तो दौड़ रहे है नहीं हैं यू नो द ब्रेन इज टेकिंग इट एज यू नो दे इज़ अ डायर सिचुएशन ऐसा कुछ इमरजेंसी है लेकिन आप तो बैठे हुए वैसे कर रहे हैं आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो गया लेकिन ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा सो यू डिसाइड वेदर यू शूड डू सच थिंग्स और नॉट यू नो बिफोर नोइंग हाउ इट वर्क और इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये कहा था कि पर्सन हु नोज सेल ईच सेल ग्लैंड फिजियोलॉजी एंड डिबेट फंक्शन शुड ओनली गिव आसनाज और एक्सरसाइजिस

जो जगह है इसमें इस इसमें क्या होता है ना जब हम कौशिक करें तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक होते हैं बेसिकली ये क्या होता है केमिकल होता है या इट विल एक्ट एज अ मैसेंजर केमिकल मैसेंजर्स है जो कि क्या करेगा ना नर्व और मसल्स को पुष्ट बनाता है तो जब आप कौशिक करें तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं वो ऊपर से एंड यू आर टेकिंग डीप थिंकिंग ऑल्सो तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं ना जाकर के सारे मसल्स को रिलैक्स और ऑक्सीजनेट करते हैं और पुष्ट बनाते हैं सो And plus, there is so much of movement, so the muscles will get strengthened also. So, uh, the next point is it adds charm and shine to the face and skin. So, it's a oxygenation, you are sweating. You're sweating. Uh, सारे ग्लैंड्स और मसल्स वसल्स ठीक से काम कर रहे हैं यू नो एंड फॉर वुमेन द एस्ट्रोजन सिकोरेशन इज़ ऑल्सो प्रॉपर राइट सो इट विल मेक एस्ट्रोजन बेसिकली मेक्स द स्किन वेरी सॉफ्ट एंड सप्पल सो यू विल नॉट हैच रिंकल्स इन ऑल ऑल्सो सो या इट इज़ फॉर दैट्स एक एनी एक्सरसाइज एंड स्पेशली कॉश्की बिकॉज इट इज बैक्ड बाई एक्सपेंसिव फील इन इट इज़ बेटर फॉर स्किन ओके एंड इट रिमूव्स लिथर्जी या बिकॉज इट इज इट विल रिमूव लिथार्जी क्योंकि आपका लिवर और किडनी भी अच्छे से फंक्शन करेगा टॉक्सिन सारा निकालेगा ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा तो एंड इट इज नेक्स्ट टू पद हस्तासन ऑल्सो सो सो इट इज रिलेटेड टू पदहस्तासन तो आई मीन सिमिलर टू पद हस्तासन बट इट इज लाइक इन अ मूवमेंट you know, like it's a moving kind of padhas padastasana ka jo benefit hai, plus there are other benefits which, you know, happens in koshki, it cures insomnia, hysteria, ok, it cures insomnia, hysteria, fear, complexes and hopelessness, so uh, basically these things, you know, it is because uh, it is because of the mental anxiety you know which you which a person gets into and due to stress in due to work or whatever you know there are many causes which for the stress so if your mind is always in a stress and anxiety condition then you will suffer from insomnia or other mental diseases you're bombarding your brain with positivity every every one round you know you, you are

दोनों एकत्र नहीं मिले रजनी रवि एक समान यानी कि जब माइंड में पॉजिटिविटी होगा तो नेगेटिविटी नहीं ही आएगा जहाँ सूरज है वहाँ पे रात नहीं है सो वी शुड यू नो डू मैक्सिमम ऑफ कौशिकी नाउ पाइल्स पाइल्स में क्या होता है ना कि पाइल्स का बेसिकली हिस्ट्री होता है कि कॉन्स्टिपेशन यू you नो know, इसके कारण पाइल्स होता है तो न, वेन यू डू क्वाशकी तो एज वी सेट अर्ली पैरासिमथैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है सो योर बाबल विल गेट क्लियर एंड योर हॉर्मोन्स हर मूव यू नो मेकिंग योर बॉडी मोर आल्कलाइन बिकॉज इज अ परफेक्ट सिक्रिएशन तो यूल गेट रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशन हर्निया हर्निया नहीं होता है बिकॉज यू नो यू डू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग सो द मसल्स गेट स्ट्रेच्ड ना गोल ब्लाडर ट्रबल इसमें क्या होता है बेसिकली बाइल जो होता है ना वो बाइल्स सिंथेसाइज uh, तो होता है आपका इसमें यू नो लिवर में लेकिन वो एक डक्ट से यू नो इट विल गेट इनटू द दी गॉल ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर का बेसिकली काम क्या होगा ना कि वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्व कर लेगा और बाइल को विस्कस uh, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि जब फूड आपका है वो डाइजेस्ट हो जाता है गैस्ट्रो इंट्रस्टीनियल ट्रैक में तो ये क्या करेगा ना कि गॉल ब्लैडर उसको शरीर से निकालने का कोशिश करेगा वेन इट इज प्रोसेस्ड तो जब हम कौशिक करेंगे और हम अपने यू नो एबडामल एरिया को कंप्रेस करेंगे तो इट विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन एंड

तो ब्रेन में भी ऐसा इंडिजीनियस ओपिएट्स मानी जो नेचुरली दे आर सब्सटेंसेस विच गेट यू नो सिक्रिएटेड तो ये जो ओपिएट्स होते हैं उसमें बेसिकली टू टाइप के ओपिएट्स हैं और वो ओपिएट्स हैं एनकफेलिन और एक होता है इंडोरफिन तो ये जो दोनों ओपिएट्स हैं जिनका ओपीएम जैसा इफेक्ट होता है यू नो सो so, ये दोनों क्या है ना कि ब्रेन स्टेम्स हाइपोथालमस और पिट्यूटरी में पाए जाते हैं सो वेन यू आर डूइंग एक्सरसाइजिंग और ब्रेन ऑल्सो अलॉन्ग विद द बॉडी सो वट एंड इट विल स्टॉप विल देन स्टॉप यू नो वर्किंग फंक्शन ऑफ the nerve cells or the nerve fibers which are causing pain so uh, of course when you do koshki then uh, you do address this problem it gets, it can get cured completely or uh, there's a nervous disability so regular uh, you know with the regular exercise the effect, affected area it can you know resume back its vitality to so, or नर्वस डिसेबिलिटी का एक यू नो टू गेट रिड ऑफ दैट हम लोग आसन उसन करते हैं या कश्य होते हैं उसके बाद मसाज करते हैं नो सो so, उससे क्या होता है लिम्फ भी इधर उधर पूरा अच्छे से फैलता है बॉडी में सो यू शुड ऑल्सो डू मसाज टू यू नो गेट रिड ऑफ नर्वस डिसेबिलिटी ओके Uh, कौशकी के और बहुत सारी यू नो लाइक दे आर थिंग्स लाइक किडनी गॉल ब्लाडर ट्रबल्स गैस्ट्रिक ट्रबल डिस्पेप्सिया एसिडिटी डिसेंट्री ये सब वी हैव कवर्ड अर्लियर यू नो बिकॉज अगेन द बॉडी इज एसिडिक सो यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ओके ओबिसिटी थिननेस एंड लिवर डिजीज तो लिवर डिजीज में आपको सबसे पहले बोलना बोलना चाहूँगी कि लिवर जो है ना वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन और, और इसका बहुत सारा माइग्रेट बहुत टाइप का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो लिवर बेसिकली क्या करता है वो टॉक्सिन को फिल्टर करेगा वो ब्लड स्टोर करेगा मेटाबॉलिज्म वो क्या करता है कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को और क्या करेगा कि फैट को ऑक्सीडाइज़ करेगा ताकि एनर्जी बॉडी को दे पाए और जो इट विल ऑल्सो सिंथेसाइज फैट फ्रॉम कार्बो जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन है उससे क्या करेगा वो फैट भी बनाएगा सो इट विल रिवर्स इट ऑल्सो मतलब इन देंस इट इट बर्न्स फैट एंड इट मेक्स फैट सो इट डज बोथ दॉब और उसके बाद इसका काम होता है ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज यू नो उसको कन्वर्ट करना कोआगुलेट करना कोगुलेशन फैक्टर्स जो ना ब्लड वर्ड निकलने लगता है तो कोआगुलेट करते हैं वो वो सब भी देखता हैं दे आर नंबर ऑफ विटामिन स्टोर करता है आयरन वगैरह दे आर यू नो वाइटल जॉब्स ऑफ लिवर तो हम जब कोशकी कर रहे हैं बेसिकली अच्छा और ये जो लिवर होता है ना हमारे रिब लोअर रिब के वहां पे पोजीशंड है तो डायफ्राम के जस्ट नीचे में तो हम क्या करते हैं जब कौशिक करते हैं तो वी आर बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों टाइम में हम अपने लीवर पे सेटल प्रेशर दे रहे हैं सो वी आर स्ट्रेंथनिंग द मसल्स ऑफ द लिवर स्ट्रेंथिंग द लिवर इट्सल्फ और लिटरेचर uh, ये भी कहता है बहुत जगह पे मेंशन है कि लिवर फंक्शंस बेस्ट व्हेन यू रेज योर हैंड क्योंकि उसको उसको सर्फेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है जब आप लिफ्ट करें लिवर ऐसे करके पोजिशन रहता है तो लिवर फंक्शन बेस्ट वेन दी हैंड इज अपलिफ्टेड एंड वी आर अपलिफ्टिंग आर हैंड ओनली तो uh, क्या होता है कि लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन करता है इट स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपरली और uh, दूसरा बात है कि इसमें ये भी लिखा गया कि थिननेस और ओबिसिटी को भी यू नो इट एड्रेसेस तो या इट अड्रेस दिननेस एन ओबिसिटी क्योंकि वो क्या करेगा कि अगर आपका इनटेक बहुत अगर आप ओबीज हैं और आपका फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं है हाव टू डू द डाइटरी कंट्रोल ऑल्सो तो आप आपका बेसिकली जो फैट है इफ़ यू आर डूइंग कॉश की देन इट इज़ कन्वर्टिंग ऑक्सीडेडाइजिंग दी फैट्स और अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो क्या करेगा कि वो आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को फैट में कन्वर्ट करेगा सो इट विल एड्रेस योर थिननेस एंड ओबिसिटी बोथ अच्छा इट द कैपेसिटी टू वर्क अंटिल सेवेंटी फ़ाइव एटी ईयर्स यस इट विल बिकॉज अगेन इफ़ एवरी थिंग इज़ इन प्लेस देन यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक कोई एलिमेंट नहीं है तो यू विल बी एबल टू डू यू नो योर वर्क टिल सेवेंटी फाइव एटी ईयर्स और फिर और एक पॉइंट uh, है कि वो सफलीस और गनोरिया दोनों को क्योर करता है तो क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में इस्ट्रोजन अगर एडिक्वेटली सिक्रीट होती है नो कॉश्की से जैसे पहले बोला कि एस्ट्रोजन का प्रॉपर एडिक्वेट सिक्रेशन होता है तो ये क्या करेगा ना सर्फिस बजैनल सर्फिस में एक लेयर फॉर्म करेगा लेयर mm. तो उससे क्या होगा कि आपका जर्म्स या जो भी mm. बैक्टीरियाज है वो इट विल नॉट बी एबल टू पेनट्रेट इन साइड एंड यू गेट इट सो इट प्रिवेंट्स एंड गनोरिया so that's it about koshki i hope that people will you know not only keep the uh, knowledge of koshki within you know themselves and they will spread it around and do more of Kaushiki so parampita baba ki jai